जिसमिल रहीम सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट में हमने ये डिस्कस कर लिया कि लाइबिलिटीज क्या होती जिसमें मेनली करेंसी इन सर्कुलेशन और बैंक्स डिपॉजिट्स होते हैं जबकि दूसरी तरफ सेंट्रल बैंक के एसेट्स होने चाहिए बैलेंस शीट में तो इस लेक्चर में हम ये देखते हैं कि सेंट्रल बैंक के पास एसेट्स कौन से होते हैं एक पॉइंट अपने जेन में क्लियर रखें पहले ही। कि सेंट्रल बैंक के हर एसेट के बदले में लाइबिलिटी क्रिएट होती है इसका मतलब है जितने जितने सेंट्रल बैंक के एसेट्स बढ़ते जाएंगे इतनी लाइबिलिटी क्रिएट होगी और लाइबिलिटी से मुराद क्या है मेनली करेंसी इन सर्कुलेशन या दूसरे नंबर पे कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट सेंट्रल बैंक के पास इसका मतलब है जितने सेंट्रल बैंक के एसेट्स बढ़ेंगे उतनी ही मनी क्रिएशन होगी और मेरे ख्याल में आप स्टूडेंट्स को ये वाली जो लेक्चर की स्लाइड्स आएंगी और कुछ पॉइंट्स में आपके सामने रखूंगा यह इस कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है इसलिए कि लोगों को यह क्लियर नहीं होता कि मनी क्रिएशन कैसे होती है वही जो मैंने पहले लेक्चर में कहा कि लोग कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नोट छाप के कर्ज क्यों नहीं उतार देती तो याद रखें मनी क्रिएशन का एक प्रोसेस और उसका प्रोसेस क्या है सिर्फ उतनी मनी मनी लाइबिलिटी है ये याद रखना आप करेंसी इन सर्कुलेशन लाइबिलिटी है रिजर्व लाइबिलिटी है इतनी मनी या इतनी करेंसी इकोनॉमी के अंदर आ सकती है जिसके बराबर सेंट्रल बैंक के पास एसिट्स तो हमें तो फिर ये बड़ी दिलचस्पी के साथ ये सीखना चाहिए कि वो कौन से एसेट्स हैं जिनके बदले मनी क्रिएशन हो सकती है तो सबसे पहले नेट डोमेस्टिक एसिट और दूसरा है नेट फॉरन एसिड और इनकी डिटेल में अभी बताऊंगा लेकिन नेट डोमेस्टिक एसेट्स के अंदर क्या आ सकता है लोन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या और कुछ लोन जो माइनर आइटम्स होते हैं और नेट फॉरन एसेट्स में क्या शामिल है ये सारी डिटेल अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो लोन देना है सेंट्रल बैंक में वो दूसरा आइटम है एक आइटम बड़ा आइटम क्या है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेंट्रल बैंक के पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज का एक स्टॉक होता है इसके बारे में कुछ अपनी चीजें क्लियर करने की जरूरत वो क्या कि जो स्टॉक होता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज का तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज क्या है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज गवर्नमेंट के डेट इंस्ट्रूमेंट हैं यानी कि गवर्नमेंट जिनके थ्रू लोन लेती है वो ट्रेजरी बिल्स भी होते हैं तीन महीने का लोन वो ट्रेजरी बॉन्ड्स भी हो सकते हैं मोस्टली इस्पेली uh, uh, जो पाकिस्तान में पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स के नाम से होते हैं वो तीन साल पाँच साल दस साल की मेचोरिटी के हो सकते हैं या जो फ्लोटिंग रेट के ऊपर इस्लामिक मोड में लोन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इजारा स्कूक के नाम से आते हैं तो ये डिफरेंट मोड्स होते हैं लोन लेने के इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कहते हैं तो स्टेट बैंक के पास या सेंट्रल बैंक के पास इन सिक्योरिटीज का एक स्टॉक होता है अब ये कहां से आता है क्या वो गवर्नमेंट से ये इंस्ट्रूमेंट खरीद सकता है बैंक सेंट्रल बैंक और उसके बदले उसको पैसे दे सकता है नहीं ये रिस्ट्रिक्टेड ये पाकिस्तान में रिस्ट्रिक्टेड है सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट के मुताबिक ये नहीं हो सकता तो फिर वो कहां से लेगा वो लेता है खुद कमर्शियल बैंक कमर्शियल बैंक के पास गवर्नमेंट के डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं क्योंकि कमर्शियल गवर्नमेंट को लोन देते हैं तो सेंट्रल बैंक एक प्रोसेस से ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं जो कि हम बड़ी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे उस प्रोसेस के थ्रू वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज ले सकता है तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जितनी भी सेंट्रल बैंक के पास जाएंगी वो सेंट्रल बैंक का एसेट होगा और उसके बदले सेंट्रल बैंक मनी इशू करेगा उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जिससे उसने वो सिक्योरिटी परचेज की है तो मनी कमर्शियल बैंक के पास चली जाएगी रिजर्व्स की फार्म में जबकि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगी एसेट की फार्म में तो एक एसेट बढ़ गया उसके साथ एक लाइबिलिटी बढ़ गई तो मनी क्रिएशन का एक तरीका यह होगा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर जो आइटम है वो है लोन्स टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन याद रखें जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं सेंट्रल बैंक उनका लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है इससे मुराद ये है कि अगर कमर्शियल बैंक के पास जो एसेट्स इन लिक्विड फार्म में हैं जैसे कमर्शियल बैंक की बिल्डिंग्स हो गई या उसके कोई भी और टर्म डिपॉजिट्स हो गए कहीं उसने इन्वेस्टमेंट्स ऐसे किए हैं जिसकी मच्योरिटी लॉन्ग टर्म है तो ऐसे उसके एसेट्स हैं जो लिक्विड नहीं है जबकि उसे कहीं पेमेंट्स करनी है और पेमेंट करने के लिए उसके पास ऑप्शन यह है कि वो दूसरे बैंक से इंटर बैंक मार्केट में यानी कि एक कमर्शियल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक से इंटर बैंक मार्केट में लोन ले ले या अगर ऐसा ना हो सके तो एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर यानी कि वो ये लोन ना ले सके किसी भी रीजन की वजह से तो लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे सेंट्रल बैंक उसे लोन देता है इस लोन को डिस्काउंट लोन कहते हैं लेकिन इसलिए नहीं कि ये डिस्काउंटेड लोन होता है डिस्काउंटेड लोन और डिस्काउंट का ये

जब उसका टाइम पूरा होगा तो वो मैं जब आपको वापस दूंगा तो आप मुझे सौ रुपया देंगे तो मैंने आपसे खरीदा नाइनटी फाइव में बेचा सौ में तो वो इस वजह से इसे डिस्काउंट लोन कहते हैं लेकिन उसके ऊपर जो रेट चार्ज होता है मसल नाइनटी फाइव और इसके दरमियान जो रेट है वो सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट बनता है ये रेट बाकी बैंक के रेट से ज्यादा होता है ये बात आपने याद रखी यानी कि ज्यादा सस्ता एसेट परचेज करता है स्टेट बैंक इस केस डिस्काउंट लोन लेकिन जो भी है जब वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन लेता है सेंट्रल बैंक से तो वो लोन सेंट्रल बैंक का एसेट बन जाता है क्योंकि उसने तो लोन दिया है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसने वो लोन लिया है उसकी लाइबिलिटी बन जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये लोन जो है ये सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट में एज एन एसेट आएगा क्यों उसने लोन दे दिया ठीक हो गया लेकिन इससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और वो मनी जो है वो फिर सेंट्रल बैंक की लाइबिलिटी है तो याद रखें हर एसिड के मुकाबले में एक लाइबिलिटी जरूर जनरेट हो अब आ जाए नेट फॉरेन एसिड नेट फॉरेन एसिड जो इसकी डिटेल क्या है पहले तो ये क्लियर करें कि हम इसे नेट फॉरेन एसिड जब कहते हैं तो इसका मतलब क्या है तो नेट फॉरेन एसेट होता है सम ऑफ फॉरेन एसेट्स हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक एंड बैंक जब मैं बैंक सेंट्रल बैंक के साथ बैंक्स लिखूं तो इसका मतलब है डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन वो बैंक्स जो आपसे डिपॉजिट लेते हैं सेंट्रल बैंक आपसे डिपॉजिट नहीं लेता इसलिए उसका नाम अलग आएगा और बैंक्स में बाकी सारे बैंक्स शामिल हो तो इसका मतलब है सम ऑफ फॉरेन एसेट्स हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक एंड अदर बैंक माइनस आर लेस फॉरेन लाइबिलिटी यानी कि इनके पास जो एसेट्स हैं फॉरेन करेंसी वाले और जो इनकी लाइबिलिटीज हैं वो माइनस कर लें तो नेट फॉरन एसेट्स बन जाएंगे पाकिस्तान के केस में अगर हम ये देखना चाहें कि वो नेट फॉर एसेट्स कौन कौन सी टाइप के होते हैं तो वो नेट फॉरन एसेट्स में पहली चीज आती है मॉनिटरी गोल्ड एंड कॉइन तो अब एक बात समझ लें कि जिन लोगों के जेन में है कि गोल्ड के बदले मनी क्रिएट होती है तो उन्हें इस स्लाइड से ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि यहां सेवन आइटम्स लिखे हुए हैं उनमें से गोल्ड एक है और गोल्ड वो रेगुलर आइटम भी नहीं है जो हर दफा आता है और उसके बदले मनी प्रिंट होती है नहीं ये कॉन्सेप्ट पुराना हो गया ये उस जमाने का कॉन्सेप्ट है जब मनी गोल्ड या प्रीशियस मेटल में कन्वर्टेबल हुआ करती थी जब से फ़िएट मनी आई है इसकी तो डेफिनेशन ही ये है कि ये कन्वर्टेबल नहीं है ये कन्वर्टेबल नहीं है तो इसका मतलब है ये गोल्ड सेंट्रल बैंक के पास एक एसेट जरूर है लेकिन हर नई मनी प्रिंटिंग या मनी क्रिएशन के पीछे ये गोल्ड नहीं रखा जाता ये एक एसेट है छह और एसेट्स भी हैं, उनके बदले भी मनी क्रिएट हो सकती है। दूसरा क्या है होल्डिंग ऑफ एस डी आर एस डी आर आई एम एफ की करेंसी को कहते हैं। जैसे यूएस की करेंसी डॉलर पाकिस्तान की करेंसी रुपी इसी तरीके से जो आई एम एफ है उसकी करेंसी एस डी आर तो जो एस डी आर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास हैं उसकी होल्डिंग में उसे हम कहेंगे ये उसके फॉरेन एसेट्स हैं और नेट करेंगे लाइबिलिटीज माइनस कर फिर फॉरेन करेंसी है अगर कोई जैसे डायरेक्ट डॉलर्स हैं करेंसी की फॉर्म में तो वो भी क्या होगा या आ, या करेंसी की फॉर्म में या अगला आइटम आ रहा है डिपॉजिट्स की फॉर्म में अगर फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स हैं सेंट्रल बैंक के तो इसका मतलब है वो क्या कहलाएगा वो सेंट्रल बैंक का एसेट हो

डेरिवेटिव जो है ये डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे इस वक्त इसकी डिटेल इस लेक्चर में मैं नहीं कर सकता बहरहाल कोई फाइनेंशियल डेरिवेटिव अगर फॉरेन करेंसी से रिलेटेड हो तो वो भी एन में आएंगे और फाइनली हर सेंट्रल बैंक का एक कोटा होता है आईएमएफ में एस का उस कोटा के तहत जो एस हैं वो भी सेंट्रल बैंक के फॉरन एसेट्स का पार्ट हो तो आखिरी बात सेंट्रल बैंक के जो एसेट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना या उनको डिस्कस करना क्यों इंपॉर्टेंट देखें एक बात याद रखें कि सेंट्रल बैंक के हर एसेट के बदले मनी सप्लाई मनी क्रिएट होती है मनी सप्लाई होती है बड़ा इंपॉर्टेंट है जितने सेंट्रल बैंक के एसेट्स ज्यादा होंगे इतनी इकोनॉमी में मनी ज्यादा होगी दूसरी बात सेंट्रल बैंक का प्रॉफिट जो गवर्नमेंट के बजट में एक इंपॉर्टेंट आइटम है नॉन टैक्स रेवेन्यूज के अंदर इसलिए कि सेंट्रल बैंक के जो एसेट्स हैं वो रिटर्न पे करते हैं और सेंट्रल बैंक की जो लाइबिलिटी है उसके ऊपर कोई कास्ट नहीं आता यानी कि हज़ार रुपए का जो नोट प्रिंट किया जाता है तो उसके ऊपर हजार रुपए का कास्ट तो नहीं आता तो इसका मतलब है लाइबिलिटी के ऊपर कास्ट नहीं है या निगलिजिबल है और एसेट्स के ऊपर रिटर्न है तो सेंट्रल बैंक को तो बहुत प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का प्रॉफिट जो उसके नॉन टैक्स रेवेन्यू के तौर पे होता है और तीसरा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो एन हमने पढ़ा हमने पढ़ाए फॉरन एसेट तो फॉरन एसेट्स इसलिए जरूरी होते हैं किसी इकानोमी में कि उससे आपकी करंसी की वैल्यू स्टेबलाइज़ करने में मदद मिलती है यह इशू हम बाद में डिटेल में डिस्कस करें थैंक यू